This is the PDF that you can download from our website englishye.com. Here are a lot of sentences, including all English sentences that you want to download from our website. This is the PDF that I'm reading, all of the English sentences, the practices, the exercise that you want, and with your students you can practice, and you can practice in your daily life. Let's get started. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to EA English Production. Myself, Imran Ali Bhai. आज का सबक आपको इस हवाले से हेल्प कर रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा सेंटेंसेज हैं, डेली लाइफ के हवाले सेंटेंसेज हैं जो आप चाहते हैं कि वो आपको प्रैक्टिस करवाएं। अलबत्ता ये एक पीडीएफ है दैट कैन हेल्प यू इन द वेबसाइट। इफ़ यू लाइक टू डाउनलोड यू कैन लॉग ऑन टू englishye.com। जस्ट विजिट दिस वेबसाइट। Through this, you can download this PDF and you can practice your exercises to you, your students, your kids, or on your own you can practice English. So let's get started with the page number one, which says Hum sab Musliman hain. We are all Muslims. Wo tamam acche talib ilm hain. They are all good students. Meri umar 15 saal hai. I'm 15 years old. Meri umar 15 साल है। आई एम 15 ईयर्स ओल्ड। पाकिस्तान मेरा प्यारा वतन है। पाकिस्तान इज माई डियर होम लैंड। पाकिस्तान इज माई डियर होम लैंड। हर पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन है। एवरी पाकिस्तानी इज अ पैट्रियट। कुत्ता और घोड़ा वफादार जानवर हैं। द डॉग एंड द हॉर्स आर फेथफुल एनिमल। आर फेथफुल एनिमल। लाहौर बागात के लिए मशहूर है। लाहौर इज फेमस फॉर गार्डन्स। लाहौर इज फेमस फॉर गार्डन्स। वो बदकिस्मत आदमी नहीं है। ही इज नॉट एन अनलकी मैन। ही इज नॉट एन अनलकी मैन। क्या अमजद दयानतदार आदमी है। इज अमजद एन ऑनेस्ट मैन। वो आपका क्या लगता है। व्हाट इज ही टू यू। व्हाट इज ही टू यू। हमीद के बेटे ज़हीन थे। हमीद्स सन्स वर इंटेलिजेंट। पहाड़ की चोटी बुलंद थी। द टॉप ऑफ द हिल वॉज हाई। द टॉप ऑफ द हिल वॉज हाई। टीपू सुल्तान आदिल हुक्मरान था। टीपू सुल्तान वॉज जस्ट अ जस्ट रूलर। जस्ट रूलर आदिल हुक्मरान। क्या अमीर आदमी गरीबों पर मेहरबान था। वॉज द रिच मैन काइंड टू द पुअर। वो दरख्त कितने ऊंचे थे। हाउ टॉल वर दोज ट्रीज। हाउ टॉल वर दोज ट्रीज। वो दरख्त कितने ऊंचे थे। शाम हो गई है। इट इज इवनिंग। शाम हो गई है। इट इज इवनिंग। अब 7 बजे हैं। इट इज 7 o'clock। आज सख्त गर्मी है। इट इज वेरी हॉट टुडे। क्या ये खबर सच्ची है। इज दिस न्यूज ट्रू और इज दिस ट्रू न्यूज। क्या तमाम सवाल मुश्किल थे। क्या तमाम सवालात मुश्किल थे। वर ऑल क्वेश्चंस डिफिकल्ट। वर ऑल द क्वेश्चंस डिफिकल्ट। आज बहुत से तालिबे इल्म क्यों गैर हाजिर हैं। वाई आर Many students absent today. Why are many students absent today? Doctor kab hospital mein tha. When was the doctor in the hospital? When was the doctor in the hospital? Ab pashtaye kya hoot jab chidiyan chug gayi kheet. It is useless to cry over spilt milk. Over spilt milk. Tokri mein kuch sev hain. There are some apples in the basket. There are some apples in the basket. क्या जग में थोड़ा सा दूध है। Is there a little milk in the jug? Is there a little milk in the jug? या फिर is there a little milk in the jug? क्या इस शहर में कोई high school है। Is there any high school in this city? Is there any high school in this city? School के दफ्तर में कायदे आज़म की बड़ी तस्वीर थी। There was a big portrait of कायदे आज़म in the school office.
पिंजरे में शेर न था, देयर वॉज नो लायन इन द केज। प्लेटफॉर्म पर कोई मुसाफिर ना था, देयर वॉज नो पैसेंजर एट द प्लेटफॉर्म। हाल में कितने उम्मीदवार थे, हाउ मैनी कैंडिडेट्स वर देयर इन द हॉल। मैं एक उम्दा कैमरा रखता हूँ, मेरे पास एक अच्छा कैमरा है, आई हैव अ फाइन कैमरा। हमारे पास एक कीमती घड़ी है, वी हैव अ प्रीशियस वॉच, वी हैव अ प्रीशियस वॉच। इसके पास एक चाकू है, ही हैज अ नाइफ। घोड़े के चार सुम होते हैं, चार सुम होते हैं, द हॉर्स हैज फोर हूव्स। मुसाफिर के पास सामान नहीं है, द पैसेंजर्स हैव नो लगेज। इस गरीब लड़के के पास जूता नहीं है, दिस पुअर हैज नो शूज, या फिर दिस पुअर बॉय हैज नो शूज। क्या सिपाही के पास तेज तलवार है, हैज द सोल्जर अ शार्प सोर्ड। तुम्हारे पास कलम क्यों नहीं है, व्हाई हैव यू नॉट अ पेन, व्हाई डोंट यू हैव अ पेन। नन्ही के पास एक अजीब गुड़िया थी, नन्ही हैज अ स्ट्रेंज डॉल, स्ट्रेंज डॉल। मेरे पास खूबसूरत तस्वीर ना थी, आई हैड नो ब्यूटिफुल पिक्चर। हमारे पास कोई शिकारी कुत्ता ना था, वी हैड नॉट एनी हाउंड, we had not any hound. School का चपरासी ना था, there was the school had no peon, there was no peon in the school. School में चपरासी ना था, या फिर school का चपरासी ना था, the school had no peon. उसके पास ना हार थे, उसके पास हार ना थे, they had no garlands. क्या माहीगीर के पास मजबूत जाल था, had the fisherman a strong net, had the fisherman a strong net. क्या इस दुकानदार के पास चीनी ना थी, had this shopkeeper no sugar, had this shopkeeper no sugar. मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ, I love my brother, I love my brother. मैं तैरना जानता हूँ, I know how to swim, I know how to swim. हम हर रोज अखबार पढ़ते हैं, We read the newspaper daily. नसीमा हमेशा सच बोलती है, नसीमा always speaks the truth. मेहनती तालिबे इल्म इनाम पाते हैं, Hardworking students get prizes, Hardworking students get prizes. बच्चे चिड़ियाघर की सैर से लुत्फ उठाते हैं, The children enjoy the visit to the zoo. खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, God helps those who help themselves. डूबते को तिनके का सहारा, A drowning man catches at the straw, A drowning man catches at a straw. वो गुनाह पर नहीं पछताता है, He does not repent on sin, He does not repent on sin. लकड़ी पानी में नहीं डूबती है, Wood does not sink in water. क्या वो अपने किए पर शर्म महसूस करता है, Does he feel ashamed of his act? ये तलबा वक्त क्यों जाया करते हैं, Why do these students waste their time? बच्चे आंख मचोली कहाँ खेलते हैं, Where do children play hide and seek? Where do the children play hide and seek? शरीफ आदमी की इज्जत की जाती है, A gentleman is respected. मुझे जुर्माना नहीं किया जाता, I am not fined, I am not fined. मैंने एक कैमरा खरीदा, I bought a camera. डॉक्टर ने मरीज का ऑपरेशन किया, The doctor operated upon the patient. उन्होंने हमारे मशवरे पर अमल किया, They acted upon our advice. उस्ताद ने सबक अच्छी तरह पढ़ाया, The teacher taught the lesson well. लोगों ने चोर पकड़ा, People caught the thief, People caught the thief. उन्होंने हमारी मदद ना की, They did not help us, They did not
help us. उन्होंने हमारी दावत कबूल न की. They did not accept our invitation. तुमने अपना वादा पूरा ना किया. You did not fulfill your promise. तुमने मेरी एक ना सुनी. You did not listen to me. फौज ने किले पर कब्जा ना किया. The army did not capture the fort. क्या तुम घर खैरियत से पहुंचे? Did you reach home safe? हवाई जहाज अड्डे पर कब उतरा? When did the aeroplane land the airport? दरवाजा कब खटखटाया गया? When was the door knocked? दरवाजा किसने खटखटाया? Who knocked at the door? परिंदे पकड़ लिए गए. Birds were caught. कोई दरख्त ना काटा गया. No tree was cut. वो मुझे मिलने आएगा. He will come to see me. मैं अपने दोस्तों को रुखसत करूंगा. I shall see off my friends. I shall see off my friends. मैं हर खतरे का सामना करूंगा. I shall face every danger. वो सुबह सैर को जाएंगे. They'll go for a walk in the morning. हम तुम्हारा इंतजार करेंगे. We'll wait for you. माली पौधों को पानी देगा. The gardener will water the plants. चीन हमेशा पाकिस्तान की मदद करेगा. China will always help Pakistan. वो जरूर जुर्माना अदा करेगा. He shall pay the fine. मैं वजीफा हासिल करके रहूंगी. I will get the scholarship. ये बच्चा झूठ नहीं बोलेगा. This child will not tell a lie. This child will not tell a lie. पाकिस्तान सीमेंट दरामद नहीं करेगा. पाकिस्तान will not import cement. क्या आप इस्लाम की तबलीग करेंगे? Will you preach Islam? लोग ईद की नमाज कहाँ पढ़ेंगे? Where will people offer the Eid prayer? Where will the people offer the Eid prayer? ये मैच कराची में खेला जाएगा. This match will be played at Karachi. At Karachi. इनामात कब तकसीम किए जाएंगे? When will the prizes be distributed? मैं अपनी घड़ी तलाश कर रहा हूँ. I am looking for my watch. हम एक नई किताब छाप रहे हैं. We are printing a new book. It is drizzling. बूंदाबांदी हो रही है. कुआं चल रहा है. The pressure wheel is working. माहीगीर मछलियां पकड़ रहे हैं. The fishermen are catching fish. पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है. पाकिस्तान is making progress by leaps and bounds. लोग हवाई अड्डे पर नहीं जा रहे हैं. The people are not going to the airport. वो दयानतदारी से काम नहीं कर रहा है. He is not doing his job honestly. क्या बच्चा सो रहा है? Is the baby sleeping? क्या खिलाड़ी मैच खेल रहे हैं? Are the players playing the match? क्या दुकानदार ग्राहक से ज्यादा पैसे वसूल कर रहा है? Is the shopkeeper overcharging the customer? मेहमान कब यहाँ पहुँच रहे हैं? When are the guests arriving here? दरवाजा कौन खटखटा रहा है? Who is knocking at the door? पितंगे उड़ाई जा रही हैं. Kites are being flown. अजनबी आदमी को धोखा दिया जा रहा है. The stranger is being deceived. वो तेज दौड़ रहा था. He was running fast. हम गहरी नींद सो रहे थे. We were sleeping soundly. कुत्ता रात को भौंक रहा था. The dog was barking at night. बच्चे शोर मचा रहे थे. Children were making a noise. ड्राइवर कार तेज चला रहा था. The driver was not driving the car fast. असलम क्रिकेट नहीं खेल रहा था.
असलम वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था, द पियन वॉज नॉट रिंगिंग द बेल, द पियन वॉज नॉट रिंगिंग द बेल, वो झूठे बहाने नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट मेकिंग द फॉल्स प्रोमिसेस, क्या आप सर्दी से कांप रहे थे, वर यू शिवरिंग विद कोल्ड, क्या वो आग जला रहे थे, वर दे बर्निंग द फायर, वर दे बर्निंग द फायर, तुम इधर उधर कहाँ फिर रहे हो, कहाँ फिर रहे थे, वेयर वर यू रोमिंग अबाउट, वेयर वर यू रोमिंग अबाउट, लोग किसका इंतजार कर रहे थे, फॉर होम वर पीपल वेटिंग फॉर, बहादुर अफसर को तगमा दिया जा रहा था, द ब्रेव ऑफिसर वॉज बींग अवार्डेड अ मेडल, बहादुर अफसर को तोहफा दिया जा रहा था, द ब्रेव ऑफिसर वॉज बींग अवार्डेड अ मेडल, शरारती बच्चों को सजा दी जा रही थी, नॉटी चिल्ड्रन वर बींग पनिश्ड, क्या दुल्हन को तोहफे दिए जा रहे थे, क्या दुल्हन को तोहफे दिए जा रहे थे, वॉज द ब्राइड बींग गिवन प्रेजेंट्स, वॉज द ब्राइड बींग गिवन प्रेजेंट्स, अब बारिश हो रही होगी, इट विल बी रेनिंग नाउ, खिलाड़ी मैदान में खेल रहे होंगे, द प्लेयर्स विल बी प्लेइंग इन द फील्ड, माली पौधों को पानी दे रहा होगा, द गार्डनर विल बी वाटरिंग द प्लांट्स, परिंदे दरख्तों पर चहचहा रहे होंगे, द बर्ड्स विल बी चिपिंग इन द ट्री, उस्ताद जमात को इंग्लिश पढ़ा रहा होगा, द टीचर विल बी टीचिंग इंग्लिश टू द क्लास, वो मजाक नहीं कर रहे होंगे, दे विल नॉट बी जॉकिंग, तुम हंस नहीं रहे होंगे, यू विल नॉट बी लाफिंग, डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन नहीं कर रहा होगा, द डॉक्टर विल नॉट बी ऑपरेटिंग अपॉन द पेशेंट, ऑपरेटिंग अपॉन द पेशेंट, मरीज का ऑपरेशन कर रहा होगा, विल नॉट बी ऑपरेटिंग अपॉन द पेशेंट, मरीज का ऑपरेशन नहीं किया जा रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, द डॉक्टर will not be operating upon the patient, doctor mariz ka operation nahi kar raha hoga, nek aadmi doodh mein pani nahi mila raha hoga, nek aadmi, the honest man will not be mixing water in the milk, kya ladka apna sabak yaad kar raha hoga, will the boy be reading the lesson, bacche kyun ro rahe honge, why will children be weeping, वो पतंग कैसे उड़ा रहा होगा, हाउ विल ही बी फ्लाइंग द काइट, कितने मजदूर पुल तामीर कर रहे होंगे, हाउ मैनी लेबर्स विल बी कंस्ट्रक्टिंग द ब्रिज, वो झूठ क्यों बोल रहा होगा, व्हाई विल ही बी टेलिंग अ लाई, लोग कहाँ जमा हो रहे होंगे, वेयर विल पीपल बी गैदरिंग, आप अपना काम ख़त्म कर चुके हैं, यू फिनिश योर वर्क, मौसमी बरसात शुरू हो चुका है, द रेनी सीजन हैज़ सेट इन, क्लॉक 4 बजा चुका है, द क्लॉक हैज़ स्ट्रक 4, उम्मीदवार पर्चे हल कर चुके हैं, कैंडिडेट्स हैव सॉल्व द पेपर, बोर्ड ने नतीजा का ऐलान कर दिया है, the board has announced the result, उस लड़के ने सबक याद कर लिया है, that boy has learned the lesson, उन्होंने हमारा इंतजार नहीं किया है, they have not waited for us, पुलिस ने उसे रंगे हाथों नहीं पकड़ा है, Police has not caught him red-handed. पुलिस ने उसे रंगे हाथों नहीं पकड़ा है. Police has not caught him red-handed. क्या तुम बाजी जीत चुके हो? Have you won the race? क्या उसने गांव हमेशा के लिए छोड़ दिया है? Has he left the village for good? डाकू ने अमीर आदमी को कहाँ लूटा है? Where have robbers robbed the rich man?
आपने मेरे लिए टिकट क्यों खरीदा है? Why have you bought a ticket for me? Why have you bought a ticket for me? तुलबा को पर्चे दिए जा चुके हैं. Students answer books have been marked. तुलबा के पर्चे देखे जा चुके हैं, पर्चे चेक किए जा चुके हैं. Students answer books have been marked. ये खबर अखबारात में शाया हो चुकी है. This news has been published in the newspaper. क्या शेर पिंजरे में बंद किया जा चुका है? Has the lion been encased? Cage और encased. हम पहले ही चाय पी चुके थे. We had already taken tea. हमने ये खबर कल तक नहीं सुनी थी. We had not heard this news till yesterday. मेरे घर आने से पहले मेरा बेटा जा चुका था. My son had gone to school before I came home. जब मैं स्टेडियम पहुंचा तो मैच खत्म हो चुका था. The match had finished before I reached the stadium. हमने उससे पहले उसको नहीं देखा था. हमने इससे पहले उसको नहीं देखा था. We had not seen him before. हमने ऐसा खतरनाक सांप पहले कभी नहीं देखा था. We had not seen such a dangerous snake before. मैंने इतना खूबसूरत जानवर पहले कभी नहीं देखा था. I had not seen such a beautiful animal before. मैंने ऐसी दिलचस्प कहानी नहीं सुनी. I had not heard such an interesting story before. उन्होंने ऐसा दिलकश नज़ारा कभी नहीं देखा था. They had never seen such a charming scene. दिलकश नज़ारा. क्या इलाज शुरू होने से पहले मरीज मर चुका था? Had the patient died before the treatment started? क्या मदद मिलने से पहले मरीज मर चुका था? Had the wounded died before he received the aid? Wounded, जख्मी. Had the wounded died? क्या जख्मी मर चुका था? Before he received aid, इससे पहले कि उसको मदद दी जाती. क्या रीच के पहुंचने से पहले वो दरख्त पर चढ़ चुका था? Had he climbed up the tree before the pier reached? सैलाब आने से पहले लोग गांव छोड़कर कहाँ चले गए थे? Where had people gone by leaving village before the flood came? Where had the people gone by leaving the village before the flood came? Gone by leaving the village before the flood came. खाना दोपहर से पहले तैयार हो चुका था. Food had been prepared before noon. लोगों को खबर होने से पहले आग बुझाई जा चुकी थी. Fire had been extinguished before the people came to know of it. Extinguished. आग बुझाना. Extinguished और extinguished. Fire had been extinguished before the people came to know of it. लोगों को खबर होने से पहले आग बुझाई जा चुकी थी. वो अपना काम खत्म कर चुके होंगे. They will have completed their work. सूरज गरूब हो चुका होगा. The sun will have set in. मेहमान आ चुके होंगे. Guest will have arrived. Guest will have come. उन्होंने नमाज पढ़ ली होगी. They will have offered the prayer. डॉक्टर ने जख्मी को मरहम पट्टी नहीं की होगी. The doctor will not have dressed the injured. उन्होंने ये गलती नहीं की होगी. They will not have made such mistake. They will not have made this mistake. वो अखबार नहीं पढ़ चुके होंगे. They will not have read the newspaper. They will not have read the newspaper. कोई मुसाफिर बस में सवार नहीं होगा. No passenger will have boarded the bus. क्या तमाम परिंदे उड़ चुके होंगे? Will all the birds have flown? क्या वो चूहे में
सब कुछ हार चुका होगा। क्या वो जुए में सब कुछ हार चुका होगा? Will he have lost everything in the gambling? Will he have lost everything in the gambling? मुसाफिर कल रात कहाँ ठहरे होंगे? Where will passenger have stayed at last night? उसको ये हादसा कहाँ पेश आया होगा? Where will this accident have happened to him? उसे तरक्की दी जा चुकी होगी। He will have been promoted. कॉलेज की बुनियाद रखी जा चुकी होगी। The foundation of the college will have been laid. क्या खेतों में हल चलाया जा चुका होगा? Will the fields have been plowed? मैं एक माह से ये तस्वीर बना रहा हूँ। I've been making this picture for a month. तुम 6 बजे से दोस्तों को खत लिख रहे हो। You have been writing this letter. You have been writing letter to friends since 6 o'clock. एक माह से for a month, 6 बजे से since 6 o'clock. वो 1982 से इस मकान में रह रहा है। He has been living in this house since 1982. 1982 से since 1982. लोग सुबह से सैरगाह में आ रहे हैं। The people have been coming to the park since morning. सुबह से since morning. बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। The child has been weeping या crying for 2 hours. 2 घंटे से for 2 hours. 2 बजे से since 2 hours. 2 o'clock. वो तमाम मुसलमान यकम रमजान से रोजे रख रहे हैं। All the Muslims have been keeping fast since 1st of Ramadan. यकम रमजान से since 1st of Ramadan. यकम जुलाई से since 1st of July. असलम दोपहर से पतंग उड़ा रहा है। असलम हैज बिन फ्लाइंग काइट सिंस नून, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। खिलाड़ी 4 बजे से फुटबॉल खेल रहे हैं। द प्लेयर्स हैव बिन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 4 o'clock. मुर्गियां जून से अंडे नहीं दे रही होंगी। जून से सिंस जून। हैंस हैव नॉट बिन लाइंग एग सिंस जून। वो 2 दिन से मतलब फॉर 2 डेज वो 2 दिन से वर्जिश नहीं कर रहा है। ही इज नॉट बिन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर 2 डेज। लड़कियां 7 बजे से सिंस 7 o'clock. 7 बजे से लड़कियां 7 बजे से हार नहीं बना रही हैं। गर्ल्स हैव नॉट बिन मेकिंग गार्लैंड्स सिंस 7 o'clock. मरीज 2 दिन से फॉर 2 डेज। मरीज 2 दिन से दवाई नहीं पी रहा है। द पेशेंट हैज नॉट बिन टेकिंग मेडिसिन फॉर 2 डेज। लाहौर में कल से बारिश नहीं हो रही है। इट हैज नॉट बिन रेनिंग इन द लाहौर। इट हैज नॉट बिन रेनिंग इन लाहौर सिंस यस्टरडे। कल से सुबह से शाम से सिंस। क्या बारिश शाम से हो रही है? हैज इट बिन रेनिंग सिंस इवनिंग। अमीर आदमी कब से आराम कर रहा है? सिंस व्हेन हैज अ रिच मैन हैज बिन सिंस व्हेन हैज अ रिच मैन बिन टेकन रेस्ट। सिंस व्हेन कब से? मैं दोपहर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। I have been waiting for you since noon. हम 9 बजे से since 9 o'clock मैच खेल रहे थे। We had been playing the match since 9 o'clock. हम 3 बजे से तैर रहे थे। We had been swimming since 3 o'clock. वो 1 घंटे से खत लिख रहा था। He had been writing a letter for an hour. वो 1 माह से तस्वीर बना रहा था। वो 1 माह से तस्वीर बना रहा था। He had been making the picture for a month. He had been making the picture for a month. वो 1983 से since 1983 इस मकान में रह रहे थे। They had been living in this house since 1983. लोग 2 घंटे से आग बुझा रहे थे। 2 घंटे for 2 hours. 2 घंटे से 4 घंटे से 3 घंटे से for लगेगा। लोग 2 घंटे से आग बुझा रहे थे। People had been extinguishing fire for 2 hours.
extinguishing. सुबह से बारिश हो रही थी. It has been raining since morning. Had been. मैं दोपहर से नहीं सो रहा था. Since noon. I had not been sleeping since noon. माहीगीर सोमवार से मछलियां नहीं पकड़ रहे थे. Since Monday. Fisherman had not been catching the fish. Since Monday. तुम्हारा भाई कई दिनों से घर का काम नहीं कर रहा था. Your brother had not been doing his homework for many days. कई दिनों से, कई सालों से, कई सदियों से. फार लगेगा. क्या बच्चे एक घंटे से खेल रहे थे? Had children been playing for an hour? क्या चांद शाम से चमक रहा था? Had the moon been shining since evening? लड़की एक बजे से क्यों रो रही थी? Why had the girl been weeping since 1 o'clock? एक बजे से, since 1 o'clock. वो कब से आपके पास ठहर रहा हुआ है? Since when he had been staying with you? Since when, कब से? Since when? वो सितंबर से बाकायदा स्कूल जा रहा होगा. He will have been going to school regularly since September, since January, since July, since first of Ramadan. बशीर 2 घंटे से सबक याद कर रहा होगा. बशीर विल हैव बीन लर्निंग द लेसन फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से. अगर हो 2 बजे से तो फिर सिंस आएगा. अगर हो 2 घंटे से तो फिर फॉर 2 आवर्स. डॉक्टर 10 मिनट से मरीज का मुआयना कर रहा होगा. द डॉक्टर विल हैव बीन एग्जामिनिंग द पेशेंट फॉर 10 मिनट्स. 10 मिनट से, 20 मिनट से, 2 घंटे से, 10 घंटे से, 10 दिनों से, 10 मंथ से, 10 साल से, 10 सदियों से, ये फार आएगा. हाँ, अगर 10 तारीख हो, 10वां मंथ हो, यानी मंथ का नाम हो, तो देन सिंस आता है. परिंदे सुबह से चहचहा रहे होंगे. बर्ड्स विल हैव बीन चिरपिंग सिंस मॉर्निंग. तालबे इल्म 3 घंटे से, तालबे इल्म 3 घंटे से, यानी कि फॉर 3 आवर्स, परचाल करते रहे होंगे. स्टूडेंट्स विल हैव बीन सॉल्विंग द पेपर फॉर 3 आवर्स. लड़के सुबह से दरिया में तैर रहे होंगे. बॉयज विल हैव बीन स्विमिंग इन द रिवर सिंस मॉर्निंग. खिलाड़ी 1 घंटा से हॉकी खेलते रहे होंगे. प्लेयर विल हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर एन आवर. वो 7 बजे से अखबार नहीं पढ़ता रहा होगा. ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस 7 o'clock. वो शाम से नहीं खेलते रहे होंगे. दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग. बच्चा शाम से नहीं रोता रहा होगा. द चाइल्ड विल नॉट हैव बीन वीपिंग सिंस इवनिंग. क्या बावर्ची 9 बजे से खाना पकाता रहा होगा? विल द कुक हैव बीन कुकिंग द मील सिंस 9 o'clock. 9 बजे से. क्या बच्चा शाम से, दोपहर से, सुबह से सिंस आएगा? क्या बच्चा शाम से सोता रहा होगा? Will the child have been sleeping since evening? क्या लोग 1 माह से इस कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे होंगे, ये करते रहे होंगे? Will the people have been protesting against this law for 1 month? 1 month से, 1 साल से, 1 सदी से फार आएगा. बच्चा खिलौने से कब से खेलता रहा होगा? Since when will the child have been playing with the toys? आप 2 घंटे से किसका इंतजार कर रहे होंगे? Whom will you have been waiting for 2 hours? That's all for now. Thanks for being with EA English. Remember, this is a practicing sentences against all English tenses and other grammar, you know, the things that you need. And you can copy it, you can write it, you can play this video every day to listen it while you're doing your daily routine work, so that it could be helped out when you want to speak English. One thing more that I want to add over here is that you can download this PDF from our website, englishyear.com. Have a good time. Thanks.